यूक्रेन की राजधानी कीव से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां रूस की दागी एक बैलिस्टिक मिसाइल का पुर्जा अचानक भी सड़क पर आ गिरा, जिससे वहां दहशत मच गई। वहां से आए वीडियो में कीव की सड़कों पर कारें दौड़ती नजर आई, तभी अचानक आसमान से एक मिसाइल का टुकड़ा आकर सीधा एक कार के बगल में गिरा, जिसके जमीन पर गिरते ही वहां पर आग लग गई और जोरदार काला धुआं उठता नजर आया। ये घटना 29 मई की बताई जा रही है, जिसका वीडियो एक कार में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने कीव पर जिन मिसाइलों से हमला किया, उन्हीं मिसाइलों में एक का पुर्जा आकर कीव की उस सड़क पर जा गिरा। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस में तख्तापलट की साजिश रचने के आरोपों पर वैगनर ग्रुप के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन ने सफाई दी। आरोपों से इनकार करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि पुतिन की सेना को पछाड़ने के लिए वैगनर ग्रुप के पास ताकत ही नहीं। यानी यवगेनी प्रिगोजिन ने यह साफ कर दिया कि पुतिन का तख्तापलट करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्हें यह सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि कुछ रोज पहले क्रेमलिन के एक अधिकारी इगर गिरकिन ने आरोप लगाया था कि प्रिगोजिन रूस में तख्तापलट की साजिश रच रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के मारे जाने के बाद प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, और उनके तेवर देखकर इगर गिरकिन ने आरोप लगाया कि वो रूस में पुतिन को पछाड़ने की तैयारी में है। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि प्रिगोजिन ने तख्तापलट की बात से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु रूस की सत्ता हथिया सकते हैं। चेचन कमांडर और पुतिन के वफादार रमजान कादिरव ने दावा किया कि अब उनके लड़ाके दुगनी ताकत से यूक्रेन की सेना पर हमला बोलेंगे। ये वही कादिरव हैं जिनके लड़ाकों ने मारियोपोल पर कब्जा करने के लिए वहां तबाही मचा दी थी, और करीब 3 महीने चली जंग में उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाकर ही दम लिया था। माना जाता है कि चेचन लड़ाकों की वजह से ही मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो पाया था, और अब एक बार फिर कादिरव ने यह हुंकार भरी है कि उनके लड़ाके दुगनी ताकत से जंग में जेलेंस्की की फौज पर टूटेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा करने की पूरी छूट मिल गई। और कादिरव के मुताबिक उन्हें यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले करने का आदेश मिला है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की सेना की मुसीबत बढ़ने वाली है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस की नजर यूक्रेन के डॉनबास पर टिकी है, जिस पर कब्जा करने के लिए पिछले कई महीनों से वहां जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक हवा में उड़ते एक ड्रोन को निशाना बनाते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस का एक आत्मघाती ड्रोन था जिसे उसने यूक्रेन में हमला करने के इरादे से भेजा था, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने उसे देखते ही उस पर गोलियां बरसा दी। 2 सैनिकों ने उस पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे वो हवा में ही तबाह हो गया। यूक्रेन के मुताबिक रूस का ये ड्रोन उसके इलाके में हमले के इरादे से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता, यूक्रेन ने उसे ढेर कर दिया। खबर अमेरिका के टेक्सस से, जहां शॉपिंग मॉल में फायरिंग हुई और इस फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की खबर है, वहीं हमलावर भी मारा गया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं अमेरिका के टेक्सस से, जहां पर फायरिंग होती है शॉपिंग मॉल में, और इस शॉपिंग मॉल में फायरिंग के दौरान हमलावर भी